आपका इस प्यारे से चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। चैनल का नाम है आयुर्वेदा विद एसलीपीएस। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक और चमत्कारी आयुर्वेदिक रस लेके आए हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल में बहुत सारे रिजल्ट्स देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो बाकी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो के, जाकर उसे जरूर देखें। इतने चमकदारी रिजल्ट्स हैं दोस्तों हमारी संस्था के, बहुत ही ज्यादा, मतलब के आयुर्वेदिक रसों की बात कर रही थी मैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक आयुर्वेदिक रस के बारे में जानना हो डिटेल में, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नहीं तो हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों, ज्यादातर हमारे जो आयुर्वेदिक रस है। देखो दोस्तों, दो तरीके के आयुर्वेदिक रस है हमारी संस्था में। यहाँ पर जिंदगी को चलाने वाले और जिंदगी को बचाने वाले, हमारे यहाँ पे ऐसे आयुर्वेदिक रस भी हैं जो हमें हमारी जो डेली लाइफ से जो रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, जो हम दिन में हमारे जैसे मान लीजिए पेट में प्रॉब्लम है, हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है टाइम से, और हमें कभी कभार हमारे ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो हमारी डेली लाइफ से रूटीन जो हमें प्रॉब्लम्स है उन पे भी हमारे आयुर्वेदिक रस काम करते हैं, यानी कि हमें स्वस्थ बनाते हैं। और अगर बाई चांस कुछ हो भी जाए तो उस पर भी काम करते हैं, ठीक है, यानी डिजीज के लिए भी है एंड लाइफस्टाइल डिजीज के लिए भी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे धमाके की। आज का जो धमाका है वो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पाइलोडोग रस की। दोस्तों पाइलोडोग रस, आपको नाम से पता चल गया होगा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मतलब आपको स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी दिख रही होगी दोस्तों, पाइलोडोग रस की। एंड दोनों तरफ से आप देख लीजिएगा इसमें कंटेंट दोस्तों, जितने मैंने लिखे हैं उससे 2-3 और ज्यादा होंगे, बट जो मैंने लिखे हैं मैं उतना आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो रेडी होइए और वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो में बने रहेगा एंड तक, आपको बहुत अच्छी जानकारी लेने को मिलेगी। वो इसलिए दोस्तों मैं बता देती हूँ मैं वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ। एक तो मैं बताने वाली हूँ हमारे इस रस के फायदे की, यानी आपको इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। सेकेंड, इसमें क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम जानना चाहेंगे उसके अंदर डला क्या हुआ है, ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स जानेंगे इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। थर्ड, हम जानेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, बिकॉज जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है यानी बवासीर की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अगर हम कोई ट्रीटमेंट कुछ भी ऐसा ले रहे हैं उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं हमें उसके प्रिकॉशंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो प्रिकॉशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डोज की, कैसे यूज करना है आपको इसको, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप इसको अपने तक ला सकते हैं, अपनी जिंदगी में ला सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारा वो जो रेड कलर का बेल आइकन है आप उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियो आए या अगला कोई ऐसा थॉट आए मोटिवेशनल, या फिर कोई रिजल्ट की वीडियो आए, कोई प्रोडक्ट की वीडियो, कोई आयुर्वेदिक रस की वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले और बिना आप मिस किए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये आयुर्वेदिक रस कैसा लगा, या हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर बताइएगा कैसी लगी। एंड चैनल को लाइक करेगा और शेयर करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आपका जो खास, आपका जो निजी होगा, आपका खास दोस्त जिसको आपको जिंदगी चाहते हो आप, वो आपके प्रॉब्लम में, आपकी समस्या में है, तो आप उस तक जरूर ये पहुंचाओगे, आपको लगेगा उसके काम के लिए है तो आप जरूर पहुंचाएंगे। मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले दोस्तों, तो इसको बिना स्किप करे देखें एंड चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार वीडियो। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों पाइलोडोग रस, जिसके मैंने बताया कि स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, आपने देखी भी होगी पिक्चर, एंड नहीं तो आप दोबारा देख लीजिए। एंड चलो शुरू करते हैं इसके बेनिफिट से दोस्तों, यानी इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर मैं फायदे की बात करूँ तो सबसे पहला तो उसके नाम से ही फायदा निकल रहा है कि यानी ये पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। बवासीर की जो समस्या होती है, बवासीर सूखी हो, किसी भी तरह की बवासीर हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक रस है। एंड सबसे अच्छी बात क्या दोस्तों, प्योर लिक्विड आयुर्वेद है, लिक्विड फॉर्म में जिसे बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंजेक्शन जल्दी आराम कर देता है मुकाबले टैबलेट्स के। यहाँ पर भी भैया आपने, आप बोलोगे कि आयुर्वेदिक तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं और कैप्सूल लिए हैं, पाउडर लिए हैं, किसी चीज का एक अच्छी क्वांटिटी क्वालिटी में बनाना और ऊपर ऊपर से बनाने में डिफरेंस है। आप मुझे बताइए कि पाउडर में ज्यादा कॉस्ट आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, या लिक्विड फॉर्म में टाइम या पैसे ज्यादा लगेंगे। सिंपल सी बात है कि वो पाउडर और कैप्सूल में कम टाइम लगता है और जल्दी बन जाते हैं, बिना वेस्टेज के बनते हैं, बिना खर्चे के बनते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी नहीं देंगे। जितनी चीज सस्ती है उतनी वो चीज रिजल्ट नहीं देगी। अगर आप कोई चीप रेट, मतलब कोई सस्ते चीज का कपड़ा खरीदो, तो आप खुद नोटिस करोगे वो महीने
बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद वो घिस के फट जाएगा या उसका कलर फेड हो जाएगा। वो बाय चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो चीजें अच्छी निकल जाती हैं, बट जरूरी नहीं है हर सस्ती चीज, या फिर आप सस्ती का छोड़ो कि जिसके अंदर क्वालिटी है वो चीज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हमने मार्केट से बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें खाई हैं, हमने ली हैं, यूज कर रहे हैं, बट नहीं, इसमें और उनमें बहुत अंतर है। जिन्होंने इस्तेमाल करी, अगर वो उस वीडियो को देख रहे हैं तो वो खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो मैं आपको आपको मैं किसी वीडियो में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि इसकी क्वालिटी दिखाओ, तो मैं आपको किसी वीडियो में किसी भी एक आयुर्वेदिक रस की क्वालिटी जरूर दिखाऊंगी कि कितने गाढ़े होते हैं ये, कितने गाढ़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पानी की जो मात्रा है ना, मैं बोलूं है ही नहीं, 5% ही है पानी की मात्रा जो मैं बोलूं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, इसीलिए मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ इतने बड़े मीडिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने ऐसे नहीं बोल रही हूँ, रिजल्ट्स इसके वाकई में ये, आप सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, और नहीं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे रिजल्ट, जरूर देखिएगा जाके। तो प्योर लिक्विड आयुर्वेद है दोस्तों, प्योर लिक्विड आयुर्वेद। तो मैंने सबसे पहले मैंने फिर क्या बताया कि पाइस की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा है ये, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इसकी ये है हमारे पे, इसका यूज और बेनिफिट ये है कि बात की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको क्योंकि जिसको है तो ये ज़्यादातर मेल्स में होती है, बात की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है और बहुत अच्छा यूज़ है इसका। एंड अगर मैं बोलूँ पित्त, आपने देखा वो पित्त उछल जाता है कि रेड रेड एशेज होते हैं, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं खुजाते रहने के बाद, हमें लगता है वो एलर्जी है, बट वो एलर्जी नहीं है दोस्तों। एलर्जी और पित्त में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एलर्जी में सिर्फ आपके एशेज होंगे लेकिन पित्त में आपका वो जो दाना है वो उभर के आ जाएगा खुजाने के बाद, जैसे मच्छर काटने के बाद वो जो दाना है वो उभर के आ जाता है, इसी तरीके से पित्त में होता है कि दाना उभर के आ जाता है खुजाने के बाद, तो पित्त हो गया। एंड बवासीर के बारे में आपको बताया ही, ठीक है दोस्तों। और लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपके 4 बेनिफिट बताए, पहला बेनिफिट बताया पाइल्स से रिलेटेड, किसी भी तरीके की बवासीर हो, आपको सूखी कैसी भी खास बवासीर हो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकंड, बात की प्रॉब्लम हो वो, पित्त की प्रॉब्लम हो वो, एंड लीवर की प्रॉब्लम भी ये सॉल्व करता है दोस्तों बहुत हद तक, बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। कंटेंट में पहला है एलोवेरा रस। एलोवेरा रस के बारे में सबको ही पता होगा, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये तो बहुत कॉमन है, पुदीना, इनके बारे में तो दुनिया जानती है दोस्तों, और इनका यूज भी अनलिमिटेड है। मल्टीटास्किंग हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, मल्टीटास्किंग। लीफ त्रिफला का भी पता है दोस्तों, पेट साफ करने में, हमारे जितने भी आयुर्वेदिक रस हैं, जिनको पता है हमारे आयुर्वेदिक रसों के बारे में, जो इस्तेमाल कर चुके हैं, उनसे जरूर पूछेगा कि ये अपने आप में हमारा हर एक आयुर्वेदिक रस 4 से 5 से 6 से ज्यादा काम करता है, मल्टीपर्पस, मल्टी टास्किंग हमारे आयुर्वेदिक रस है सारे। अगर एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए है तो उसमें और दूसरी प्रॉब्लम वो सोल्व करता है, या उससे और तीसरी प्रॉब्लम वो सोल्व करता है, चौथी प्रॉब्लम सोल्व करता है। मोरिंगा, मोरिंगा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे लीवर की प्रॉब्लम को अच्छा रखता है, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको नहीं आने देता, स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो कि हमारा पेट साफ नहीं हो पाता, हमारे पेट फूला फूला ऐठा हो जाता है, वो ये सॉल्व करता है। अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो, खास कर से आपकी स्किन और बालों का तो ये सबसे ज्यादा ख्याल रखता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ख्याल। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों इसका ये है कि कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट, हमारे हृदय से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। कैंसर में भी इसके बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा यूज है इसका, बहुत अच्छे बेनिफिट है, वहाँ पे फायदा बहुत होता है। ठीक है, और आपके बीपी की प्रॉब्लम यानी हाई बीपी प्रॉब्लम में ही सॉल्व करता है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट की सीड निशोध, ये हमारे हो चुके हैं, बात करेंगे सीड निशोध का सबसे पहला बेनिफिट है, सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट दोस्तों ये है कि बवासीर की समस्या ये समाप्त करता है, खत्म करता है, कम करता है। सेकंड बेनिफिट इसका ये है दोस्तों कि हमारे जो डायबिटीज की हमें प्रॉब्लम होती है उसको खत्म करता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, समस्या को खत्म करता है। सेकंड, ओबेसिटी यानी मोटापा, जो चर्बी होती है ना, वो वेट कम वाली नहीं, चर्बी वाली जो चर्बी होती है उसको कम करता है। ठीक है दोस्तों, तो सोचो अपने आप में कितने, जहां तक कि आयुर्वेदिक रस तो है यानी प्रोडक्ट तो है ही मल्टीटास्किंग, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट डले हुए वो तो और भी ज्यादा शानदार, यानी शानदार के साथ साथ एक से ज्यादा टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक से ज्यादा काम वो फायदा दे रहे हैं दोस्तों। अब आप सोच लो कि जब इसके अंदर ही इंग्रेडिएंट ऐसे डले हुए हैं तो वो शानदार कैसे नहीं परफॉर्म करेगा आयुर्वेदिक रस, मुझे इस बात का जवाब देना कमेंट सेक्शन में। वीपी, नीम पत्ती,
पत्रा रस, वीपी नीम पत्रा रस का दोस्तों यहाँ पे काम क्या है वो ये है। सबसे पहले तो हमें पता है माता में यूज की जाते हैं, जब हमारी माता होती है घर में, माता निकलती है, चिकन पॉक्स जो हो जाते हैं उसके निशान को खत्म करने में मदद करते हैं। कई बार किसी लोगों के निशान रह जाते हैं तो वो कोई सी चिंता करने वाली बात नहीं है, वो उससे चले जाएंगे जिसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, उसको खत्म करने का काम करते हैं। और हमें कितना भी हाई फीवर हो, कितना मलेरिया हो, उन सबको ये खत्म करने का काम करता है। आपने सुना होगा जब डॉक्टर हमें हम दवाई वगैरह लेने जाते हैं मलेरिया टाइफाइड के टाइम पे, तो हमें नीम के जो रस होता है, नीम का जो काढ़ा होता है वो सजेस्ट किया जाता है टाइफाइड मलेरिया। और अभी कुछ साल पहले जो एक बुखार आया था जिसमें हड्डियों का दर्द नहीं जा रहा था, हड्डियों में दर्द आ गया था, तो उसमें भी नीम सबसे ज्यादा बोला जाता था। आज कोरोना में हमें गिलोय तुलसी ये सब पीने के लिए बोला जा रहा है, उससे में भी ऐसे बोला गया था कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। तो इसका काम ये है। एंड स्टमक यानी हमारे जो स्टमक से रिलेटेड जो भी समस्या होती है कि वो बेचारा ऐठन में होता है, फ्रेश नहीं हो पाते हम, लीवर से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, बीपी से रिलेटेड जो भी, बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ज़्यादातर जो भी हमारे कंटेंट है एक दूसरे से लिंक करते हुए हैं और एक दूसरे का फायदा, वो एक दूसरे का काम कर रहे हैं दोस्तों, ये होता है टीम वर्क, ठीक है। बीपी नीम पत्रा का हमने बता दिया आपको बेनिफिट। नेक्स्ट बात मैं बात करूँ लीफ चारे आता है एक्सट्रैक्ट, इसका काम दोस्तों ये है हमारी डायबिटीज की समस्या को खत्म करता है। डायबिटीज के साथ साथ अस्थमा और हमारी बीपी की प्रॉब्लम है, स्टमक में जो प्रॉब्लम होती है, स्टमक की प्रॉब्लम मैंने बताया, फ्रेश नहीं हो पाती है, ऐठन होती है, फूला फूला रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोग को होता है कि पानी कहीं का सूट नहीं करता या खाना कोई सूट नहीं करता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आयुर्वेदिक रस के कंटेंट्स, उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करेंगे प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने हैं। प्रिकॉशंस दोस्तों आपको इस तरीके से लेने हैं कि आप कोशिश ये करें, जैसे बवासीर जिसको ज़्यादा है, कम में भी कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि आप ज़्यादा देर बैठे ना, बैठने की पोजिशन में ना तो ज़्यादा देर खड़े रहें, और बैठने की तो बिल्कुल कोशिश करें ना एक घंटे ज़्यादा एक जगह में बैठे ना। और सेकेंड आपको प्रिकॉशन ये लेना दोस्तों कि आपको अगर अर्जेंटली वॉशरूम यानी मतलब प्रेशर से वॉशरूम आ रहा है तो आप कोशिश ये करें फटाफट चले जाएं, बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आप रोक लें या फिर आप थोड़े टाइम बाद जाएंगे, कोशिश बिल्कुल भी ऐसी ना करें और आप ज़रूर जाएं और टाइम से जाएं। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, आप कोशिश करें एक दो घंटे के अंदर में जाइए, एंड आपको लग रहा है कि आपको अर्जेंटली अभी बहुत तेज़ प्रेशर हो रहा है तो आप ज़रूर जाइए और लेट मत करिए बिल्कुल भी, ये हमारा प्रिकॉशन सेकंड है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी आप और आप पानी कम पीते हैं उस वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तीखा कम खाएं और चिकनाई तो बिल्कुल छुए ही ना जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर जब आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप यहाँ से ले रहे हैं, आप कहीं से भी ले रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो अवॉइड करें तीखा तो बिल्कुल भी ना खाए, ठीक है, तीखा। और कोशिश करें चाय भी अवॉइड कर दें। एंड मैंने जैसे बोला खाने की प्रॉब्लम, आप मतलब बैठने की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दें कि ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि आप कम ही बैठें, बैठने की पोजीशन में एक घंटे से ज़्यादा बैठे ना, चेयर पे बैठे तो भी, ज़मीन पे बैठे तो भी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस थे। अब मैं बात करती हूँ कि डोज कैसे लेनी है, मतलब यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना। दोस्तों एक पॉइंट हमारा ये भी है दोस्तों, जब आप इसको ले लेंगे, मतलब हमारे आयुर्वेदिक रस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको जो है मतलब आपको पता नहीं किस तरीके से इस्तेमाल करना है या आप लेने वाले हैं इसको, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इसको जब भी आप इसे ले लें विद इन वन मंथ, एक महीने के अंदर अंदर आप इसको खत्म करना है, आपको खत्म ही करना है इसको एक महीने के अंदर। अब मैं इसकी डोज की बात करती हूँ, तो आपको कैसे ये यूज करना है, इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसको तीन टाइम लेना है और 20 ml लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, 20 ml लेना है बस। हमारे जो ये बॉटल्स आती हैं आयुर्वेदिक रस की, उनमें ना उनके साथ एक बॉटल आती है तो उसमें मार्क लगे हुए आते हैं 15 ml, 10 ml, 5 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, इस तरीके से मैक्सिमम हमारा 30 ml तक होता है, ठीक है। तो ये हमारे ml बने हुए थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कहाँ से नापें, ठीक है। तो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई बात नहीं है, आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है। तो हमारा मैंने आपको डोज बता दिया। अब ये तीन टाइम कैसे लेना है, खाने के पहले खाने के बाद। अब देखो दोस्तों तीन टाइम लेना है, तीन का मतलब एक सुबह, दोपहर और एक रात में, तो समझिए। सबसे पहले जब आप सुबह को लेंगे तो सुबह में कैसे लेंगे, सुबह में खाने से पहले यानी आप सुबह को जब उठते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, चाय पीने से भी पहले, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर लोग ग्रीन टी पीते हैं और 95% लोग चाय पीते हैं,
मैं एक एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। तो सुबह को चाय पीने से पहले फ्रेश होने के बाद यानी खाली पेट आपको इसको 20 ml लेना है। फिर बात करते दोपहर के खाने के बाद, खाने के एक घंटे बाद आपको इसे लेना है, यानी दोपहर और रात में आपको इसे खाने के बाद लेना है, सुबह में इसको खाली पेट लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सुबह में इसको आपको खाली पेट लेना है, दोपहर में और रात में खाने के एक घंटे बाद लेना है 20 ml, यानी 20 20 20 टोटल मिला के पर डे के हिसाब से 60 ml बैठ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई आपको प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, दोबारा से वीडियो बना दीजिए, हमें बता दीजिए, अपना नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो नहीं बनवानी है, अगर आप वैसे जानना चाहते हैं तो या तो हमारा नंबर आप लिख लीजिए 9528 27 6669, नहीं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और नहीं तो थंबनेल आपने जैसे क्लिक करके आए हैं उस पर भी होगा और कमेंट सेक्शन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा दोस्तों। नंबर आपकी कोई चिंता मत करिए, नंबर आपको मिल जाएगा एंड अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है इस बारे में, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की खास 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 वीडियो, तो जरूर बताइएगा कैसी लगी दोस्तों और मुझे इंतजार रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कैसी लगी वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।